पता चला कि रियल ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग नहीं थी, ये वर्कशॉप था. सीरियसली आज मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, लेकिन मैं कविता लिखती हूँ, इसीलिए मैं श्योर एक कविता इस हमारे जो वर्कशॉप पे लिख के मैं जीमेल करूँगी सर को, प्रॉमिस. मुझे शौक लगा, मैं लंच नहीं ले रही थी, ये इन सब ने पूछा कि तुम क्यों नहीं खा रहे. मैंने सोचा कि मैं कहाँ पीछे चली गई थी, थोड़ा मेरा रिवाइज हो रहा है, तो अच्छा है कि ऐसी ऐसी वर्कशॉप हो ना, तो एटलीस्ट मेरे पर्सनल सबके लिए पर्सनल तो इम्प्रूवमेंट होती ही है और होनी भी चाहिए. बाकी हमारे उसमें नहीं होती है, क्लस्टर में सभी हमारे जैसे ही होते हैं, कराया तो ठीक है, नहीं कराया तो ओके, नाश्ता करके वापस. अब फैकल्टीज भी अच्छे हैं, मेथड वाइज भी अच्छा था, हमारे लिए ये बहुत अच्छा है. रोज जानने को मिला कि बच्चों को एक्सपेंड के साथ करे तो वो बढ़िया से बढ़िया याद रख सकते हैं. खिचड़ी नहीं देंगे, खिचड़ी नहीं देंगे स्टूडेंट को, हम खिचड़ी नहीं देंगे, हर रोज नए नए आचार देंगे.